तो मौजुम फ तीन हकूमती अगली बारी के लिए ना सिर्फ तैयार हो गए बल्कि उन्होंने अब अपनी लाइन और लेंथ अपोजिशन के साथ मिलाने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि अब वो मौसर वक्त पर जो है वार करने के लिए भी वो तैयार हो गए हैं और इस ज़मे में जरदारी फार्मूला ने बहुत अहम रोल अदा किया है क्योंकि ये वही जरदारी फार्मूला है जिसने नून लीग को उस पेज पर आने पर मजबूर कर दिया जहाँ पर जरदारी साहब उनको लाना चाह रहे थे और ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि मुस्लिम लीग काफ जिनके साथ कल आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई थी और बंद कमरों में होने वाली इस मुलाकात में भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने फार्मूले की थोड़ी सी रूनुमाई कराई थी चौधरी परवेज़ रही साहब को जिसके नतीजे में कल उनके जो लहजे के अंदर थोड़ी सी घन घरज थी आज जब मुतहदा का वक्त उनसे मिला है चौधरी परवेज़ रही साहब से तो उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया टॉक की है वहाँ पर इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि चौधरी साहब की वो जो सिग्नल पर लगी हुई लाइट है वो रेड नहीं है बल्कि वो ऑरेंज लाइट है और किसी भी वक्त वो ग्रीन लाइट में तब्दील होना होने वाली है और इसके लिए अपोजिशन ने अपने लिए जो शबद देग तैयार की है उसके अंदर जो मसाला जात हैं वो अब पूरे होने लगे हैं ना सिर्फ ये बल्कि आज दूसरी अहम मुलाकात जो मुतहदा की हुई वो होती है शबाज़ शरीफ साहब से और इस मुलाकात में भी शबाज़ शरीफ साहब ने मुतह के कान में बात डाल दी है कि भाई ये मामला अब इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे अब आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सोच विचार करना चाहिए और मुतहदा के वक्त ने जो आमिर ख़ान साहब की सरबराही में इस वक्त पंजाब के दौरे पर है उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है शिवाज शरीफ साहब को यार पहले आप जो बातें की हैं वो बातें हम वो सारी आपकी जो गुजारशात है वह लेके जाएंगे कराची और जाके मुतहदा की रता कमेटी के इजलास में आपकी सारी मारूजा पेश कर दी जाएंगी और उसके बाद रस्मी तौर पर हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे अलबत् आमिर खान ने बरमला अंदाज में एक मरतबा फिर यह बात कह दी कि जनाब एक वजारत है हमारे पास हम तो वो वजारत भी अपने पास नहीं रखना चाहते हुकूमत चाहे तो ये वजारत भी ले ले हमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ हम इस वक्त ये बात समझते हैं कि इस वक्त महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है और इस आप आप मामले से निपटने के लिए हुकूमत को जल्द या बदेर कोई ना कोई ठोस हकमत अमली अपनाना होगी अब जो मैंने आपसे गुफ्तु के आगाज़ में कहा कही थी तीन इतिहादियों वाली बात आज आपको मालूम है कि एक और हकूमती इतिहादी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी अच्छा इमरान ख़ान साहब आज गए नौशी जहां पर वो सानिया जो हुआ था नोशकी में जहां पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया था एफ़ की चेक पोस्ट पर और ख़ासा वहाँ पर ये मामला ख़राब रहा वहाँ पर इमरान ख़ान साहब ने इजहार यकजहती भी की है और वहाँ पर उन्होंने जो रेंजर्स और एफसी के अहलकार हैं उनकी तनख्वाहों में पंद्रह फीसद इजाफ़े का भी ऐलान किया है बड़ी अच्छी बात है होना चाहिए तमाम की तनखाओं में इजाफ़ा होना चाहिए चाहे वो सिविल कीडर के लोग हैं चाहे वो प्राइवेट कीडर के लोग हैं चाहे वो जो है सरकारी मुलाजम हैं जो भी हर एक के इसमें तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए इसके अंदर कोई दो राय नहीं हाँ ये बात ज़रूर है कि इमरान खान ने यहाँ पर भी एक ऐसी हरकत कर दी जो यकीनी तौर पर वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए और जो उस वक्त उनकी तकरीर सुन रहे थे उनके लिए भी तो थोड़ा सा एक अजीब सा उसने तासुर दिया मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि इमरान ख़ान साहब ने इनफैक्ट अपने आप को पाकिस्तान के हालात से बिल्कुल ही इेलीवेंट होने का रोल प्ले किया या बिल्कुल ही जिसे हम कह सकते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन थी क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने आज यूनोशी में तकरीर करते हुए ये कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतनी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हुई क्योंकि जिस वक्त दहशत गर्दी की वारदात हुई मैं चाइना में था और चाइना में मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली कि जनाब बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का वाक़ हो गया जो बिल्कुल सरीहन झूठ बोला है इमरान खान साहब ने सरीहन इसके अंदर किसी किस्म की कोई सोचो विचार वाली बात ही नहीं है क्योंकि ये जो वाक्य हुआ ये यहकम और दो फरवरी के दरमिया शब्द को हुआ जबकि इमरान खान साहब तीन फरवरी को गए चाइना और दो फरवरी को इस वाक्य की इतला मिलने के बाद इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस वाक्य की मजम्मत के ट्वीट भी जारी किए गए थे और जानी माली नुकसान के ऊपर वो जो है इजहार तशवीश भी किया गया था और इसके बाद वजीर दाखिला जो इस दौरे में उनके साथ गए हैं उन्होंने भी मीडिया पर आकर इस वाकये के ऊपर ना सिर्फ ब्रीफिंग दी थी बल्कि अपने सरकारी दफ्तर में बैठ कर वीडियो बयान भी जारी किया था जिसके अंदर उनका कहना था कि दहशत गर्द घुसे में हैं अभी तक शहर की सूरत हाल का हमें अंदाजा नहीं है जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तब बताएंगे सरीहन झूठ बोला इमरान खान साहब ने कि जी मैं चीन में था इसका मतलब ये है कि जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे तो किसी शख्स ने उनको यह बताने की जहमति गारा नहीं की तो उनका जो ट्विटर अकाउंट था है, वो कौन हैंडल कर रहा था बिल्कुल गलत और इमरान खान साहब ने इनफेक्ट ऐसे ही झूठ बोल बोल के ऐसे ही दो नंबरियाँ कर कर के, ऐसे ही फजूल किस्म की तकरीरें करके अपने इमेज को के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया खैर बात हो रही थी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की ये तो अभी बसबीले तस्करा थ्क, आ गया कल इमरान खान साहब के दौरा बलूचिस्तान आज उन्होंने किया कल वहाँ पर एक इजलास हुआ और वो इस वजह से हुआ कि चेयरमैन सैनट साहब और बलूचिस्तान के वज़ी अला दोनों गए थे वो भी नोश गए थे और फिर बलूचिस्तान अवमी पार्टी की सारी की सारी की आदत आ गई कोयटा और कोयटा में आने के बाद उनका हुआ एक अजलास जिसके अंदर अब्दुल अब्दुल्कदूस भजनजो साहब शरीक थे जिसके अंदर सादिक सन्जरानी साहब शरीक थे काकड़ साहब शरीक थे और जो बलोचि अवामी पार्टी के जो दीगर सरकरदा क़ायदी हैं वो वहाँ पर शरीक थे और इस अजलास के अंदर हुकूमत की तरफ से यानी वफाकूमत की तरफ से जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ रवैया रखा गया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़ का इजहार किया गया और ये कहा गया कि जनाब हम हुकूमत के सबसे बड़े इतहादी हैं मगर वफाकी काबीना में हमें मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिली और हुकूमत हमारे साथ मुसलसल वादे खलाफी कर रही है इस मरतबा हकूमत को वाज तौर पर इमरान खान साहब आ रहे हैं कोयटा कल इस मरतबा उनके साथ दो टोक अंदाज़ के अंदर बातचीत होगी कि जनाब आप बताएं आपने हमारे साथ चलना है या नहीं चलना उसके बाद हम हतमी तौर पर कोई लाहे अमल अपना इख्तियार करेंगे और अगर हमें हकूमत से अलग भी होना पड़ा तो हम हकूमत से अलग हो जाएंगे अब इस इजलास के बाद इमरान खान साहब तो गए कोयटा लेकिन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा इमरान खान साहब के साथ कोयटा नहीं गए वो बलूचिस्तान में आज का दिन अपने फौजी जवानों के साथ उनके साथ मेल मुलाकातों के अंदर गुजारेंगे इमरान खान साहब अपनी पोलिटिकल मसरूफियात के लिए आए गए कोयटा और वहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुलकदूस बिजंजो साहब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं सादिक संजानी साहब जो चेयरमैन सैनेट हैं और वहाँ पर जो दीगर अरकीन असम्बली हैं और वो जो बी ए पी के जो मरकज़ी अहदेदार हैं उनके साथ हुई है इमरान खान साहब की मुलाकात और इस मुलाकात में इमरान ख़ान साहब को तमाम तर सूरत हाल से आगा कर दिया गया और उनसे कहा गया कि यार ना तुझे काम करना है ना सानुक्रम देना ना आपकी तरफ से कोई पेशर होती है ना ही आपके पार्टी के लोग हमें यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम करने देते हैं हमारे लिए बेशुमार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और दूसरी बात यह है कि आपके साथ साढ़े तीन साल हो गए हमें चलते हुए और आपने साढ़े तीन साल के अंदर जो जो वादे किए वो वादे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए और किसी भी वादे के ऊपर आपने अपना जो है ना वो तस्लीम तो कर लेते हैं लेकिन अमल दरामद ने किया और इस सूरत हाल में इमरान ख़ान साहब ने कहा जनाब अगर आप कहते हैं कबीना में आना तो हम आपके नंबर्स बढ़ा देते हैं कबीना में उन्होंने कहा जी नंबर नंबर बढ़ाने की बात नहीं है बात है इख्तियार की आपसे मिलने के लिए वफाकी वज़रा भी लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं और अगर आपसे कोई बात कर दी जाए तो आप बात सुनने पर आमादा नहीं होते और इस सारी सूरत हाल ने इनफैक्ट जो दूरियाँ पैदा की हैं वो दूरियाँ अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही यानी इमरान ख़ान साहब का जो दौरा बलूचिस्तान है उसके अंदर भी उनको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं मिला अब अगर हम देखें हमारी जो वफाकी हकूमत है ये चार बुनियादी तौर पर सहारों पर खड़ी है जिसमें से एक है मुस्लिम लीग काफ दूसरी है बलोचिस्तान अवमी पार्टी तीसरी है एम क्यू एम और चौथी है जी डी ए अब चार में से चार इतिहादियों में से तीन इतिहादियों ने इस वक्त इमरान खान साहब के लिए जो लेवल है वो ग्रीन लाइट से कर दी है ऑरेंज लाइट कि अब हमारा चल चलाऊ का टाइम आ गया है अब आप तैयारी पकड़ें और इस सारे स्नैरियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है इस वक्त वो है जरदारी फार्मूला जिसका मैंने आपसे गुफ्तु के आगाज़ में जिक्र किया था आप सोचे होंगे ये जरदारी फार्मूला है क्या और ये अचानक सामने कैसे आया और ये है क्या मामला इनफैक्ट इस इंफॉर्मेशन कुछ जो मुझे, मुझे मिली है थोड़ी सी आ, वो इस फार्मूले के हवाले से आ, जो इन्फॉर्मेशन है उसको शायद मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ आपके सामने ना रख सकूँ लेकिन आपके सामने मैं तीन चार चीज़ें रखूँगा उन्हीं में से कोई एक चीज़ होगी क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये चूँकि एक जिसे हम कह सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को मैं क्लैरिटी के साथ अभी आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी इसी इसी सीक्वेंस के साथ आ जाएंगी सामने और बल्कि आपको इस मुलाकात का एक हवाला देता हूँ कि शबाज शरीफ साहब से कल एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई अहम तरीन शख्सियत की जो मुलाकात हुई तो वो उनके अपनी ही पार्टी के बंदे थे जिनकी मुलाकात हुई शिबाज साहब से और उन्होंने शिबाज साहब से पूछा कि यार ये हुआ क्या है अचानक कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को आपके साथ रबा हुआ आपने उनको खाने पर बुला लिया और खाने पर बुलाने के बाद सारा कुछ एकदम चीज़ें सेटल डाउन हो गई और मियाँ साहब ने भी इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर मादगी जहर कर दी तो शबाज़ साहब ने उनको ये जवाब दिया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मेरे सामने फार्मूला ही ऐसा रखा कि मैं इनकार ही नहीं कर सका और दिलचस्प बात यह है कि जब इस फार्मूले के हवाले से बात हुई मियाँ साहब से बड़े मियाँ साहब से यानी नवाशिफ़ साहब से तो उन्होंने आ, उनको मुझे ये तासर मिला जैसे ये सारे जो फार्मूला है वो ऑलरेडी उनके नोटस में है और मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर हम देखें तो ये फार्मूला बुनियादी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब और शबाज़ शरीफ साहब ये तीन इस फार्मूले की हकीकत को जानते हैं क्योंकि जो मुलाकात हुई थी मॉडल टाउन में शबाज़ शरीफ साहब के साथ वहाँ पर जब साद रफ़ीक साहब ने पूछा जब उनके आपस में गुफ्तू हो रही थी तो साद रफ़ीक साहब ने उनसे पूछा कि भई अगर ये तरीके अदम अतम नाकाम हो जाती है तो उसका असर लॉन्ग मार्च पे पड़ेगा और फिर लॉन्ग मार्च पे भी हमें ख़ासी खिफत का सामना करना पड़ेगा तो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकलने का क्या तरीका है तो आसिफ अली जुर्फारी साहब ने उनको जवाब दिया कि यार मैं मतलब तो तेनुसारा कुछ ही दास्तुँ अभी नहीं जब मौका आएगा तब बताऊंगा और उनका ये कहना था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का कि आपको याद होगा कि जब गुज्त साल मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और यूसफ गिलानी साहब पी के उम्मीदवार थे और वो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे तो पंद्रह दिन पहले ही मैंने यूसफ गिलानी साहब को इंतबात में जीत पर मुबारकबाद दे दी थी कि जनाब आप इलेक्शन जीत जाएंगे और ऐसा ही हुआ वो इलेक्शन जीत गए मैं आज आपको यहाँ पर बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ हिम्मत करें उठें और मेरे साथ चलें कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात मुकम्मल तौर पर ऐसी ही है अच्छा शबाजश्री साहब ने इस बात पर हमदगी जैद की मरियम साहबा ने नवाशिर साहब ने और उसके बाद मुमकिन तौर पर दो ऑप्शन इस वक्त हमारे सामने आते हैं कि सत्ताईस फरवरी का लॉन्ग मार्च हो सकता है तीन मार्च तक चला जाए और मुमकिन तौर पर इस लॉन्ग मार्च में जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है मुमकिन तौर पर एक ऑप्शन ये है कि ये एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च हो और इस लौ, ये लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचे जब इस्लामाबाद पहुँचे वहाँ पर ये लोग बैठ जाए और उस वक्त जो जो मोशन है नो no कॉन्फिडेंस की वो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जाए और चौदह दिन तक जब तक स्पीकर नेशनल असम्बली ये इजलास बुला ना ले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग का ये जो लोग हैं, ये वहाँ पर बैठे रहें कम से कम चौदह दिन का आइन के मुताबिक ये शेड्यूल है दूसरा ऑप्शन ये है कि लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो कराची से बिलावल साहब निकलें लाहौर से मरीम साहब निकलें शबाज साहब निकलें और जैसे ही ये लॉन्ग मार्च का आगाज हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन डाल दी जाए और इस तरीके से हकूमत पर दो तरफ़ का प्रेशर डाल दिया जाए एक के आवाम को बड़ी तादाद के अंदर चार्ज आवाम जब इस्लामाबाद की तरफ पहुँच रहे होंगे तो हुकूमत के यकीनी तौर पर हाथों भी फूलेंगे क्योंकि एक जानब उन्हें इस पूरे एक्टिविटी के अंदर अमन वमान के मामलों को देखना होगा पॉलिटिकल टम्परेचर को कंट्रोल करना होगा और इसके साथ साथ दूसरा असाब के ऊपर सवार होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके लिए इतिहादियों के साथ राबते करना होंगे और इतिहादियों को साथ मिलाना होगा ताकि और ख़ासतौर तो पर अपने अराकिन इसम्बली जो नवाशिफ साहब के साथ रबे में हैं उनको जोड़ के रखना होगा तो ये एक डबल प्रेशर आ जाएगा हुकूमत के ऊपर कि एक जानब लॉन्ग मार्च आ रहा हो और दूसरी जानब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया जाए तीसरा ऑप्शन जो बताया गया है वो कहते हैं हो सकता है कि लॉन्ग मार्च और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही ना पड़े हुकूमत खुद ही गिर जाए और ख़ुद ही गिरने के लिए जो ज़रूरत है वो ये है कि हकूमत बम को लात मार दे यानी उसके सामने एक ऐसी चीज़ आ जाए बम सा पड़ा हो और वो उसको लात मार दे और धमाके से उड़ जाए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और इसका इजहार इमरान ख़ान साहब की मुख्त बातों में आता है ख़ास तौर उनके मार्च प्लान के ज़रिए इस बात का इशारा मिलता है क्योंकि वो किसी अपॉइंटमेंट और किसी एक्सटेंशन के दरमियान में चीज़ है और इमरान ख़ान साहब इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं बल्कि कई मरतबा उन्होंने टी वी पर तकरीरें भी की हैं जिसके अंदर उन्होंने हवाला भी दिया हुआ है ये कि है दुरान जंग सिपा सलार की तब्दीली के हवाले से तो वो इस ये वाला मौका ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब पर पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप हो और वो उस दबाव का शिकार होकर वो कदम उठा दें जिसके नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इन हाउस चेंज का जो ऑप्शन है या लॉन्ग मार्च का ऑप्शन उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही पेश ना असल चीज़ वो हालात हैं जो पैदा किए जा रहे हैं इमरान साहब के हवाले से और इमरान खान साहब को उन ऐसे तमाम हालात से नब्रद आज़मा होना है जो अब आने वाले दिनों में आने वाले हफ़्तों में उनके इर्द गिर्द एक नेटिंग करेंगे और वो जो जाल उनके गिर्द बुना जाएगा उसमें निकलना उनके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाफ़